यानी उसकी फूफो की बेटी बीमार है और तुम उसे देखने जा रहे हो। तो इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, बच्चे बीमार पड़ता है। मगर तुम तो इन तकल्लुफात और फॉर्मेलिटीज के आदि नहीं हो। खानदान में कोई मर जाए तो बड़ा एहसान करोगे, उनकी ताजियत के लिए चले जाओगे। भाई आदत, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेटी के ससुराल वालों का मामला है, सब कुछ करना पड़ता है। ये तुम्हें जारा बेटी ने फोन करके बताया? नहीं, उसने नहीं, आंसर निकट परवीन ने मुझे बताया था। आखिर उस खातून ने अपनी बच्ची की बीमारी बताने के लिए बतौर खास आपको फोन क्यों किया? उसने नहीं किया था यार, मैंने किया था उसे रात को। ओ, तो आपने आधी रात को उसको क्यों फोन किया? ओ गॉड यार, इतने सवाल, मुझे तो लग रहा है मेरा कोर्ट मार्शल हो रहा है यहाँ पर। यार जमशेद, सवाल तो उठ रहे हैं मेरे अंदर। अगर आप आधी रात को उस खातून को फोन कर रहे हो, वाह, अच्छा आप अपने दांत अंदर कर, बहुत मुश्किल है। मैं तुझसे यहाँ मदद मांग रहा हूँ और तू उल्टा मेरे पे हंसी जा रहा है। मैंने जो रोमांस करने के सारे तरीके बता दिए थे, अब उससे एक भी कामयाब नहीं हो तो मेरा क्या कसूर है? घर में इतना बड़ा अच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पको, वादा कर तो पूरी करेगा। अभी तो मेरी पहली सैलरी भी नहीं आई। खर्चे की बात नहीं है, जबानी कलामी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वादा किया, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तू अपनी साली शहना से मेरी शादी करा दे। साले? साले से नहीं, साले से। मैं तुझे भी ये कह रहा हूँ कि अभी तक मेरी शादी मुकम्मल तौर पे एक शादी नहीं कहला सकती, और अब मैं क्या दूसरों की शादी कराता फिरूं? तेरा फॉल्ट है, मेरा नहीं। देख, कर भला हो भला। अच्छा ठीक है, पर पहले मेरा काम देखते हैं। से आने का ख्याल रखा, शुक्रिया। कैसी गहरे वाली बातें करती है पप्पू। अब पप्पू, अब एक बात पूछूं आपसे? पूछो। कल दोपहर में? कल दोपहर में क्या, बोलो। नहीं वैसे ही, आप शॉपिंग पे गई थी ना, बहुत अच्छी चीजें लेके आई थी, काफी टाइम भी लग गया था। अकेली गई थी? हाँ, मैं शॉपिंग पे हमेशा अकेली जाती हूँ, अपनी सहेली को साथ ही लेके जाती हूँ। एक तो वो सब मुझसे जलती है और फिर मेरी चीजों की नकल भी करती है। काफी टाइम लगा के आई थी ना, लंच तो कर आई होंगी। कहाँ बाहर के खाने खाती हूँ, सहने के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। पर मुझे और उनको रेस्टोरेंट से निकलते हुए इन्होंने कैसे देख लिया? क्या ये भी वहां गई थी डैडी के साथ? मगर क्यों? और इस बात को पप्पू और डैडी दोनों छुपा क्यों रहे हैं? अरे डैडी आप? बस तुमसे मिलने को दिल चाहा तो आ गया। अब इसको क्यों लेके आए? आपको पता था कि मुझे फूलों से एलर्जी है। I'm sorry, देखो ये दरअसल तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। वो आंसा पप्पो। पप्पो के लिए? वो भी ये फूल और चॉकलेट? नहीं, पप्पो की बेटी बीमार है ना, तो उसके लिए मैं लाया हूँ ये। आपको कैसे पता चला कि उनकी बेटी बीमार है? अच्छा खैर, हाँ पाए आएंगे। आई रेडी। ओके। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपकी बेटी के लिए। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। लाना ही था तो कुछ और ले आते। जी मेरी अंगूठी रह गई थी आपके पास।
सॉरी मैं लाना भूल गया। दो दिन पहले ही खरीदी थी, पहनी भी नहीं अब तक। देखें, आपको कहीं दोबारा तो ये डर नहीं हो रहा है कि मैं आपकी अंगूठी किसी और को दे दूंगा? हो भी सकता है, मर्द साथ का क्या भरोसा। हाँ, मैं तो सालों पहले ये फरामोश कर बैठा था कि मैं मर्द भी हूं। मुझे तो सिर्फ जारा का बाप बनना याद रहा। मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। फिर आप बता दें मैं कब लाऊं आपकी अंगूठी। अभी मत लाइएगा, वो अम्मा को पता चलेगा ना मैं आपको बार बार जहमत दे रही हूं तो खामखा में 10 बातें सुनाएंगी। समत्याने का मामला है ना। I understand. ठीक, फिर आप आ जाएं। लेकिन मैं फिलहाल आ नहीं सकती, वो मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊंगी आपके पास। लेकिन इस बारे में आप किसी को कुछ बताइएगा मत। ठीक है, मैं फिर मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, और हाँ, उसका बेफिक्र रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आ जाओ सारा, चाय लेके आई है। ऐसे बड़ा दिल चाह रहा था इस टाइम पे चाय पीने को। बहुत अच्छी चाय बनाती है सारा। कैसी? Thank you so much. गजरे कितने के हैं? 'Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। दादी कुर्बान ते मां सबके, क्या हाल है मेरे पुत्र का? और दादी कुछ पूछ रही है बेटा? दादी किस वक्त कुछ नहीं पूछ रही होती जी, बोले। हाय हाय पुत्र, तू तो खाने को पड़ रहा है। और तुम जाकर जरा सिहान की तबीयत पूछ लो, बुरी बात है बेटा। मैं अभी अभी तो ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा आराम कर लू ना फिर पूछ लूंगा। चाय पियोगे? नहीं पीनी मुझे चाय भाई, मैंने कहा ना मैं आराम करूंगा और आप में से कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हर कोई पीछे पड़ा रहता है मेरे। अम्मा ये किस कदर चिड़चिड़ा और बदमिजाज होता जा रहा है। बदतमीज से बदलिहाज भी। पहले आप ही थी जो इसके हर ऐप को अपने लाठ से ढक लिया करती थी। हाँ हुसना, गलती है मेरी, तभी तो ये हाथों से निकल गया। मैं तो ये सोचती हूँ बेचारी जारा के साथ ये क्या सलूक करता होगा। उसकी तो उसने जान कोश करके रखी होगी, जब हमसे इतनी बदतमीजी से बात करता है तो पता नहीं उस बेचारी के साथ कैसे पेश आता होगा। तूने देखा नहीं, वो बेचारी इसका रोब सह सह के सुंगड़ गई है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे एक इशारे पे ना मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, कसम से। अच्छा, आजमा लो। नहीं अभी नहीं, बाद में। बस इतनी सी मोहब्बत थी। मोहब्बत तो मैं किसी भी वक्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारे हुक्म की तामील बाद में करूंगा।
नहीं अभी। अच्छा बोलो। अच्छा सुनो, पुप्पो सुबह से परेशान है, उन्हें लगता है कि तुम उन्हें रात को हॉस्पिटल लेके गए थे ना, इसी वजह से तुम गुस्सा हो। हाँ तो और नहीं तो क्या, मामूली सा बुखार था, सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी? फजूल में दौड़ लगवा दी, रात भी सारी जाया करवा दी। कौन किसी पे एहसान करके जिताना बहुत बुरी बात है। तुम पुप्पो के पास जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ये आपका हुक्म है? नहीं, फरमाइश है। देख लें, फरमाइश है तो फिर मैं भी बहुत ज्यादा करूंगा। ठीक है, चलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी पुप्पू को सॉरी कह के आता हूँ। उतनी देर तुम ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया था। और हाँ, इसे आंखें बंद करके खोलना। ओहो, ये तो सो रही है। मैं तो इसी से मिलने आया था, उठेगी तो बता देना। रुको, क्या सिर्फ हाथ लगाने आए थे? मुझे दरअसल पोपो बहुत जरूरी काम है। मुझे भी तुमसे काम है। मैं इस वक्त सिर्फ अपना काम करने के मूड में हूँ ना। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। पक्का सिर्फ एक सवाल और कुछ नहीं? कुछ नहीं। चलें जल्दी पूछें, जल्दी जल्दी जल्दी। उस दिन किस लड़की के साथ थे? पूछ लिया, अल्लाह हाफिज़। जवाब दो। मैं सिर्फ आपके सवाल के लिए रुका था, जवाब के लिए नहीं। और जवाब लिए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सच सच बताओ किस लड़की के साथ थे, वरना मैं ज़ारा को बता दूंगी। चौक से बताएं, मुझे क्या परवाह, मैं कोई डरता हूँ ज़ारा से? और वैसे भी मैं जिससे भी मिलूं उसे आपको या ज़ारा को क्या? हाँ ये लड़का तो हाथ से निकल गया है, किसी का लिहाज ही नहीं रहे। ज़ारा को खबरदार करना पड़ेगा कि संभालो अपने सुहाग को। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। क्या हुआ ज़ारा? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे फूलों से सख्त एलर्जी है। ओहो, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। अब मैं भी फेंक देता हूँ, लाओ मैं ठीक कर दूँ। अरे हटो, मुझे तो रहने लग रहा है। अभी छींक रोक दूंगा ना तो बिल्कुल चॉकलेट लगूंगा। अब 20 सेकंड हो दिल में। ठीक हुआ? जमशेद, हम 15 मिनट में डीसी ऑफिस जा रहे हैं भाई। अच्छा जी। रात पड़ गई है, मुंह सजा के अंदर पड़ा हुआ है। हुसना, हुसना, नी हुसना। जी अम्मा। इधर आ। जी अम्मा। उसको कह आके बाहर रोटी खा ले। इतनी आवाजें दे चुकी हूँ, अब मैं नहीं जा रही बुलाने के लिए। वो तो बात बात पे काट खाने को पड़ रहा है। वो बेचारी ज़ारा उसके साथ अंदर बांध है,
वो उसकी जली कटी साड़ी वो भी सुन रही है, तो मैं क्या करूं? मेरी बच्ची का इतना सा मुंह निकल आया, रूप डाल डाल के, हुक्म चला चला के, देख तो सही अपना हाल देख, पर तू फिक्र ना कर, मैं उनको ठीक करके रख दूंगी। जी तू वह बोली, आजकल की कुड़ियां इतनी चलाक है ना कि उनको ये पता है कि दो मिनटी बंदा ऐसे हमने काबू करना है। तू फिक्र ना कर, पर तेरा भी क्या कसूर है, ना तेरी माँ ना बहन जो तुझे ये सारे गुर सिखाती। बस बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरी दादी है ना, दादी सासू हूँ, तेरी सहेली हूँ, तेरी माँ भी हूँ, मैं तुझे बताऊंगी उनको नथ कैसे डालनी। क्या नथ? हाँ मतलब नोस्पिन। दादी मर्दों को नोस्पिन बहुत बुरी लगती है, मैंने डालनी उनको नथ। किड्डी कमली कुड़ी है। नाश्ते में क्या लोगे? तुम्हें आज जल्दी बताओ, तुम्हें देर हो रही है। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा और ना ही कोई छुट्टी मिलेगी। अब तो तुमसे एक मिनट दूर रहने का जी नहीं चाहता। और मेरा कोई मुंह नहीं तुम्हें सर पे सवार रखने का। और तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे। अब मैं बनाऊं तुम्हारे बाद? क्या हुआ? बस ये सोच रही थी तुम्हारे नाक पे नोज़पिन कैसी लगी। नोज़पिन? ये क्या बकवास है? हाँ दादा ने कहा कि उनको नथ डालो। अच्छा तो दादी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। नहीं तो दादा तो बस इतना कह रही थी शोहर को काबू कैसे करते। अच्छा अब देखते हैं कौन पहले किसे काबू करता है। कौन? छोड़ो, जिनको काबू करना आसान होगा पर मुझे काबू करना नामुमकिन। अम्मी आप भी क्या, जब जी चाहे अंदर आ जाती हैं। नाश्ते का बताने आई थी। तो नौकर क्या आया करे ना। कितने बदतमीज हो तुम, अम्मी से इस तरह बात करते हैं। तूने भी तो देखो यार, बगैर नौकरी अंदर चली आई। जो भी है उन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तब आती ना
अगर एक मिनट बाद छापा मारने आ जाती। भाभी फ्रूट आ गया। अल्लाह कितनी दफा आपसे कहा है कि जब आ जाए फ्रूट तो बता दिया करे। खाना होता है, मैंने छुरी कहाँ गई? ये रे। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। भाई जान याद आ रहे हैं? उनके बारे में सोचना तो मैंने बहुत अरसा पहले छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं। ऑन की वजह से कुछ किया है उसने? ऑन ने आज मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। वो कब बदतमीजी नहीं करता और किसके साथ नहीं करता? गलती हमारी है भाभी। 100 नखरे हो गए उसके, जो मुंह में आता है बक देता है, सबके सामने बकवास करता है। जानता है ना हम में से कोई नाराज नहीं होगा। मैं जानती हूँ, उसकी आदत बन गई है चिड़चिड़ाहट और बदमिजाजी से बात करने की। मगर जो आज उसने किया है उसने तो हद ही कर दी है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मगर जो उसने जारा के साथ किया वो बहुत बुरा है। जारा पे भी चिल्लाया? सिर्फ चिल्लाया नहीं, उसने जारा पर हाथ उठाया। क्या? मैंने खुद देखा, वो जारा को मार रहा था, धमका रहा था, वो बहुत रो रही थी। मारा? बोलो। तुम याद आ रहे हो? आ जाओ। फिर फोन क्यों किया था? कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। अच्छा तो सुनो, मगर पास आ गया। मैं तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आहिस्ता से। नहीं, इतना ही काफी है। कितना बदतमीज तो बेहया निकला है, उसने तो हद भी मुका छोड़ी है। सिर्फ बदतमीज अम्मा? किसी भी लड़की पर हाथ उठाना जहालत ही नहीं, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। इश्क अच्छे अच्छों की मत मार देता है भाभी। इश्क? हाँ इश्क। उसे जो ये इश्क हुआ है ना, उसने उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छे बुरे की तमीज ही भूल गया है वो लोग का पट्टा। बेड़ा तर जाए ऐसे इश्क का। इससे तो बेहतर था उसको जारा से इश्क होता ही ना। उस मशूमनी को मार रहा था, धमकियां दे रहा था, उसकी वीणी में रो रहा था। चूल्हे में ना बंदा पाए ऐसे इश्क को। ओहो, मैं उस इश्क की बात कर रही हूँ अम्मा, जो उसे जारा, जो उसे जारा से नहीं किसी और से हुआ है। क्या? और किसी और से? हाँ, पता है भाभी, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से ना किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था। नहीं निगत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हुस्ना पुत्र, मैं तुझे एक गाल दसू, आजकल का जमाना बड़ा ही बेहया हो गया है। कुड़िया मुंडे बड़े खुल डुल गए हैं, दोस्तियां यारियां लगाते हैं। वो भी किसी कुड़ी के साथ बैठा होगा दफ्तर की या कॉलेज की कुड़ी के साथ बैठ के खाना खा रहा हो, इश्क में शुकी ना हो। ना तो मैं झूठ बोल रही हूँ, उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। क्या?
हुसना हम तेनों की होया है। मेरी तरबियत हार गई अम्मा, खून का सर जीत कर और नहीं अपने बाप के पर। तू दस लै हो रसू, क्या जबरदस्त आइडिया दिया था तुमने। वाकई जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैंने पूरे घर में अपने गुस्से से रोब डाल दिया, रबाड़ा माथे पे इतने बल डाले, आवाज इतनी ऊंची की कि मेरे मुंह लगने की बजाय लोग मेरे से मीलों दूर भागते हैं और ये बेवक दरवाजे पे खटखटाते भी नहीं है। मानता है ना फिर अपने यार को। अच्छा चल शाबाश, अपना वादा पूरा कर। कौन सा वादा? मेरे शहना की सेटिंग का। मैं शाना का पापा हूँ या चाचा हूँ या मामा हूँ कि तुम्हारी सेटिंग कराऊंगा? मैं शादियां करानी होती उसके घर अपना रिश्ता भेज। देख शाना, जरा भाभी की बहुत सुनती है और भाभी तेरी बहुत मानती है, भाभी से बात करना। अभी यूँ करते हैं, इकट्ठे कहीं चलने का प्लान ना। हाँ ये आइडिया तेरा बिल्कुल सही है। तो जब तुम और शाना आमने सामने हो गए ना तो शाना की मर्जी का भी पता चल जाएगा। और फिर मैं दारा से कहूंगा कि शाना के घर वालों से बात करें। I love you. आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। अब तो तुमसे एक मिनट दूर रहने का जी नहीं चाहता। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे एक इशारे पे ना मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, कसम से। बस भी करे ना भाभी, मैंने भी अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ हुआ है मेरा बेटा किसी लड़की के साथ ही करेगा। जारा को दुख देते हुए उसे कम से कम अपनी माँ का दुख तो याद कर लेना चाहिए था। अब ये सोचें कि ओन को इन हरकतों से कैसे बाज रखा जाए। कुछ नहीं करेंगे हम, ना समझाएंगे ना डांट डपट करके जबरदस्ती मजबूर करेंगे। हैं? हाँ जो भी करना है जारा को खुद करना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी तरह सारी उम्र ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहे। उसे उसे अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। वही ऑन को मजबूर करेगी। निगत, तुम्हें लगता है कि उसे ऑन के इस अफेयर के बारे में पता है? पता नहीं भाभी, कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो रिश्ता और तरह का है, मुझसे वो झिझकेगी। तुम उससे बात करो, ये मालूम करो कि वो ऑन की सरकत पर पर्दा तो नहीं डाल रही। और अगर उसे कुछ भी पता ना हो तो फिर उसे इशारे कनाइयों से समझाओ कि अपनी आंखें खुली रखे और ऑन पर नजर रखे। औरतों की भी क्या जिंदगी होती है। क्यों, क्या हुआ? बस हम बेचारी औरतें। मैं तो अपने आप को बेचारी नहीं समझती, बल्कि मैं तो किसी भी औरत को बेचारी नहीं समझती। हम औरतें तो बहुत मजबूत होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हाँ लेकिन हम किसी मर्द को काबू नहीं कर सकती।
आपने किस मर्द को काबू करने? अच्छा बस बस, मजाक मत उड़ाओ मेरी बात का। मैं बहुत संजीदा हूँ। मैंने बहुत संजीदगी से कहा है? मुझे तो बहुत फखर अपने औरत होने पे। बस इसी फखर में डूब जाती है ना औरतें। एक बात बताऊं सारा, ये जो मर्द होते हैं ना, इनके ख्याल कभी भी बदल जाते हैं। कैसे ख्याल? ये प्यार मोहब्बत के ख्याल। देखो सारा, मैं एक बात समझाती हूँ। ये जो मर्द होते हैं ना, ये कभी किसी औरत की मोहब्बत ना सीने से लगाकर नहीं बैठते, और ना किसी की वफा में ना सारी जिंदगी गुजार देते। इनके दिल के दरवाजे हमेशा नए मेहमान के लिए खुले रहते हैं, और इस बात के लिए ना औरत को हमेशा जहनी तौर पर तैयार होना चाहिए। समझ रही हो ना? नहीं शहना, एक बार ऐसी बात होती तो फिर भी था, बार बार ये बात सामने आ रही है। और फिर डैडी का पप्पा से मिलना, बात करना, ये तो डेफिनेटली खतरनाक अलामत है। अब पता है, कुछ दिन पहले मेरे पप्पा कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरे डैडी सिर्फ मेरे बाप नहीं है, मर्द भी है, उनके ख्याल बदल रहे हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा। हाँ हुआ था, इस बात का नहीं कि उनके ख्याल बदल रहे हैं। तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई? एटलीस्ट मुझ पे ट्रस्ट कर लेते। अच्छा सुनो, मैं ये बात घर वालों को बताऊंगा। क्या फायदा होगा? अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो तनु की है। लगता है आपका फुफो और अम्मी से झगड़ा हुआ है। मैंने इन दो निमाणियों से लड़के लेना क्या है, उनके पास अपने दुख बिखेरे हैं, अपने अपने बंदों की सताई हुई दोनों। तीसरी बेचारी शामिल हो रही है इसमें। कौन बेचारी? ओ कहीं चाचा जी का दोबारा शादी करने का मूड तो नहीं है? ये बूथा पैड़ा हो ना तो गल चंगी कर लिया कर। दादी चाहो जा यहाँ से। खबरदार, जो अब अपनी काली इस नई जुबान से तूने कोई बात निकाली ना, पुत्र तू एक बथेरा है अपने पियो के नक्शे कदम पे टूटने के लिए। खबरदार जो अपने चाचे के बारे में तूने बात की है। वो मैं कह रही चल कहा जा यहाँ से। ब्लड प्रेशर हाई है। अम्मी अम्मी, ये दादी को क्या हुआ? वह अंगारे चबा रही हैं। तो तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? तुम भी तो रोज यही कर रहे होते हो। आप सुबह वाली बात की बात कर रही हैं? सुबह मैं दरअसल थोड़े गुस्से में था। तो गुस्सा निकालने का ये कौन सा तरीका है? मैं मानता हूं थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन अब किसी ना किसी पे तो निकालना था ना गुस्सा। ठीक है, तुम भी ये समझ लो कि दादी ने कुछ सोचकर तुम पर गुस्सा निकाल लिया। लगता है आपका फुल मूड है मुझ पे भड़ास निकालने का। तो तुम कौन सा आसमान से उतरे हो कि कोई तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता? तुम तो किसी से सीधी बात करने के रवादार नहीं हो, और सारे तुम्हारी चापलूसी में लगे रहे। सरपंच हालिए मैंने इसकी सारी गलत सही बातें मान मानकर कितनी डिटाई से कह रहा था किसी और का गुस्सा जारा पर निकाल लिया।
बीवी कोई बड़ा सिखाने की चीज है? सुबह वाली बात को लेकर बैठी हैं अम्मी यार, कोई आपके कमरे में बगैर नॉक किया आया और आप उसे टोको भी है ना, कमाल है। और तुमसे जरा सा भी सॉरी नहीं बोला क्या? वही तो बोलने गया था, मगर वो पता नहीं क्या अजीब सा मुंह बना के बैठी हुई थी और दादी को भी मेरी ऐसी शिकायतें लगाई थी कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया हो। तुम्हें पता है दादी ने मेरे से कभी इस तरह बात नहीं की, इतने गुस्से में थी वो। अम्मी कीमे में आलू कौन डालता है यार, आपको पता है मुझे नहीं पसंद। अब हर वक्त तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जा सकता अम्मा आपने। तो आप कुछ और बना देती ना मेरे लिए। ना तो वो तेरे पेओ की नौकर लगी हुई है कि हर किसी का वखरा वखरा खाना पकाए। ज़ारा मुझे ऑमलेट बना के दो यार। ज़ारा आराम से बैठकर खाना खाओ, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। कमाल की बात है, मैं अभी उसे कह रहा हूँ कि मुझे ऑमलेट बना दे और आप उसे खाना खिलाई जा रही है। ए, खबरदार ये बच्ची के ऊपर तूने हुक्म चलाया, तूने तो सिर्फ बना छोड़ा है पंबीरी, कभी इधर भाग रही तो कभी उधर भाग रही है। बीवी है तेरी, इज्जत कर। बीवी है उस्तानी नहीं है कि उसकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है। निकल अब आ भी जाओ। आई आई। पप्पो देखे नामी ने फिर दोबारा आलू बना दिए, आपने कुछ अच्छा बनाया होगा ना मेरी पसंद का। जी नहीं, मैंने ज़ारा की पसंद की कड़ी बनाई है। कड़ी? यार ज़ारा कितनी अजीब और गरीब पसंद है तुम्हारी। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें भी तो इसी ने पसंद किया है ना। Ha 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 ha